यह जो नजारा आप देख रहे हैं ये है सिटी हट कहे जाने वाले महाराजा अग्रसेन चौक यानी कि मीनार गेट। काफी कंजेस्टेड इलाका है, यहाँ वाहनों को निकलने में कई बार रास्ता भी नहीं मिलता है, लोग पैदल भी कई बार नहीं निकल पाते हैं। ऐसी सूरत में पुलिस को भी यहाँ यातायात कंट्रोल करने में, ट्रैफिक सुधार में काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ जाती है और कई बार तो पुलिस के लिए फांस भी बन जाती है, रेड़ी वालों को हटाना, रिक्शे को हटाना। ऐसा ही वाक्या आज देखने को मिला सिटी थाना SHO महेश शर्मा जब रेड़ी वालों को हटाने के लिए मीनार गेट चौक पहुंचे, तो उसके बाद क्या हुआ नज़ारा आप इस वीडियो में अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानिया, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। मीनार गेट चौक पर हम मौजूद हैं, जिसे महाराजा अग्रसेन द्वार कहा जाता है, सिटी हट कहा जाता है पलवल शहर का। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मीनार गेट पर हमेशा ही रश लगा रहता है, वाहनों की हॉर्न आवाज़ आती रहती है, हमेशा भीड़ भरा इलाका है ये मीनार गेट चौक। पुलिस भी यहाँ पर आती है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए और उसकी गाज गिरती है रेड़ी वालों पर, खोमचे वालों पर। आज मीनार गेट पर एक रेड़ी को SHO पलवल पुलिस द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। वहीं रेड़ी संचालकों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें धमकाने का प्रयास किया, डंडे बरसाने का भी प्रयास किया, लेकिन बाद में जिला हॉकर्स फेडरेशन मौके पर पहुंच गई। बात करने के लिए हम उनके साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जिला हॉकर्स फेडरेशन के अध्यक्ष खेमराज डागर और उनके सहयोगी जो देवी सिंह बेचैन, देवी राम बोध, सभी लोग मौजूद हैं। ये सारा आप नज़ारा देख ही रहे हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि एक बार कैमरा उनकी तरफ घुमाए, ये विजुअल्स भी दिखाएं। रात का समय है, ये इधर घुमाइएगा कैमरा और दिखाइए, रात का समय है, इस समय मीनार गेट पर वही चहल पहल है जो सुबह भी होती है। जिला हॉकर्स फेडरेशन के प्रवक्ता देवी सिंह बेचैन, देवी राम बेचैन से हम बात करेंगे, कोई बात नहीं अभी कर देंगे। ये बताइएगा आप कि आज क्या माजरा हुआ? ये ऐसा हुआ जी, यहाँ हमारे जो रेहड़ी पटरी के हैं वो यहाँ जो रेहड़ी लगाते हैं तो बिल्कुल ये जगह 3 फुट छोड़ करके ही रेहड़ी लगाई गई है। सिटी के SHO महेश कुमार जी आए और उन्होंने कानून को बिल्कुल तोड़ मरोड़ते हुए रेहड़ी को गिराने का प्रयास किया और मौके पर हम आए। उसके बाद में यहाँ हमने जब बातें की तो बड़े मतलब तलखी के साथ उन्होंने हमारे इस जो रेहड़ी लगाने वाले साथी हैं इनके साथ गाली गलौच भी उन्होंने की है। हम अगर इस तरीके से किया जाएगा तो हम ये चाहते हैं कि हम आज के आज या तो कल सुबह हम FIR कराएंगे इस SHO के खिलाफ, ताकि मतलब है इसे पता लगे कि भाई रेहड़ी पटरी वाले भी एक इस देश के नागरिक हैं और उनके साथ अगर बदयांती की जाएगी, उनके साथ जाति की जाएगी तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉकर फेडरेशन इसे सहन नहीं करेगा। इसके साथ वार्ता हुई आपके साथ, क्या नाम है आपका? देवी राम। देवी राम, ये जो आरोप लगा रहे देवी राम बेचैन है, वो उनका ये आरोप है कि आपके साथ पुलिस ने बदतमीजी की है जी। मैंने उनसे बात करी और ये यहाँ से रेहड़ी को पलट दिया और मेरी आइसक्रीम सब पलट दी है और मेरे को बोले कि तूने यहाँ पर रजिस्ट्री करा रखी है क्या करा रखा है। एक वजह और भी है, यहाँ से अब जाम लगा रहता है। कोई जाम नहीं था जी, अपने जो जा रहे थे यहाँ से उतर करके और मेरे पास आए, मेरे को बोले तू बुजुर्ग आदमी वो फलाना। मैं बोला बाबूजी मैं यहाँ 40 साल से हूँ, यहाँ 40-45 साल से, अब मैं बुजुर्ग आदमी कहाँ जाऊँ यहाँ पास यहाँ से। वो बोले लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बाजार में जाम आप लोगों की वजह से लगा रहता है। अजी हमारी वजह से कैसे लगा रहता है बाबूजी, ये ट्रेनी वालों की वजह से और इनसे लगा रहता है ट्रैफिक से। हमारी तो देखो इधर एक साइड को लग रही है कोने में। अच्छा, क्या बात हुई थी? बात यही हुई थी कि यहाँ से रेहड़ी हटा ले, मैं जाऊँ कहाँ से, या 40-45 साल से मैं रेहड़ी लगा रहा हूँ यहाँ पर। मेरे लेखे वो बोले कहीं भी जा कहीं भी मर। अगर कंट्रोल करने में बाधा आ रही है, लोग आने जाने में, निकलने में, बाजार में घुसने में दिक्कत आ रही है। बाबू जी देख लो आप, आपके सामने तो है यहाँ पर ये लग रही है कोने में रेडी। हाँ कुल्फी तो मेरी वहाँ से मारी फेंक करके ये पड़ी। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ मेरे देखो ये क्या, ये मेरी रेडी यहीं रहनी चाहिए, मेरा नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? कैमरा जी इधर आइए।
अब पुलिस के लिए सिरदर्दी बड़ी ये होती है कि पुलिस का काम कंट्रोल करना होता है यातायात को, आवागमन में दिक्कत ना हो, लेकिन कई बार रेहड़ी वाले भी उसमें कहीं ना कहीं अड़चन डालते हैं यातायात को कंट्रोल करने में, सुचारू रूप से चलने में। क्या वजह है कि आप लोग इसमें कहां तक मानते हैं कि आप लोग दोषी नहीं हो? नहीं, मैं आपके माध्यम से भूटानी जी कहना चाहूँगा कि SHO साहब दिन में मेरे ख्याल से यहाँ पर 10 बार निकलते होंगे, कम से कम 10 बार, क्योंकि ये ऐसा चौक है। तो क्या एक बादाम से की रेडी यानी कि एक ट्रक खड़ा है, क्या वो नहीं दिखता उनको? वो कभी नहीं दिखा उनने? क्यों नहीं दिखता? कौन सा चश्मा लगा रखा आंखों पे? दूसरों का दोष गिनाने से अपने दोष कम नहीं हो जाते। अगर दूसरे लोग खड़े करते हैं तो इसका मतलब आपको राइट नहीं है कि आप भी बीच सड़क में खड़े जाओ। देखिए, हम बीच सड़क में बिल्कुल नहीं खड़े होते। द स्टैंड वेंडर्स पॉलिसी जो भारत सरकार ने बनाई है, हम उसी के आधार से 3 फुट की हमें जगह पूरे आदेश भारत सरकार की तरफ से है। और हमें ये भी है, मैं कहना चाहूँगा, एक जो जगह सरकारी है वो जगह हमारी है, हम गरीब आदमी की जगह है ये, हमसे इसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है और पार्लियामेंट का कानून का हम आदेश का पालन करते हैं। इन लोगों को पता नहीं है, अभी ये 10 दिन 20 दिन पहले, महीने पहले जब आए हैं, अखबार में फोटो आया था कि मैं गरीबों की मदद करूंगा। क्या SHO साहब ऐसे मदद करेंगे? ये क्या मदद है? इस तरीके की हरकत अपनाते हैं, गरीब आदमी पर हाथ छोड़ते हैं। ये शहर है, कितने SHO आए कितने गए, ये शहर है, सिटी थाना आज का नहीं है, सैकड़ों साल का है। अगर साहब ये कानून अगर सरकार ने आपके लिए बनाया है, तो कानून की धज्जियां भी तो आप भी उड़ाते हो। अब जितने पहले थे हमारे रेडी वाले, वो सब छटा के सारे लोग हट गए हैं, भाग गए हैं, चले गए हैं, क्योंकि जिन पर लाइसेंस नहीं है। अब जो लाइसेंस धारी लोग हैं, उनको प्रशासन ये सोचना होगा कि इन लोगों को ना छेड़े, और अगर छेड़ेगा तो यूनियन आगे आएगी, फेडरेशन आगे आएगी, कानून आगे आएगी, फिर इनको भुगतना पड़ेगा। हम सीधा सीधा टकराने के मूड में हैं, और इस तरीका से हम एक भी व्यक्ति पर हाथ नहीं उठान देंगे। अपनी जुबान पर लगाम लगावे पुलिस, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे इस तरीका की हरकतें। क्या बहन बेटी यहाँ बैठी हैं? कोई अपनी बहन बेटी को रोड पर बैठा कर देखिए और उससे कहना एक जो है यहाँ तेरी तरह की कितना संतवंती बैठी है, शर्म नहीं आती इनको? ये कहाँ की भाषा है? ये भाषा इनकी यूज करने की भाषा है क्या? ये क्या तरीका है? किससे कहा गया ये? कुछ सीधे यहाँ पे एक लेडीज बैठती है, अभी बताया और पहले भी एक दिन बताया, ये भाषा बहुत ही अनपार्लियामेंट भाषा यूज करते हैं, और कोई नहीं करता, सिर्फ SHO कह रहा है कि तू सीता सतमंती है तो यहाँ क्यों बैठी है? ये क्या तरीका है? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कमाने खाने कितनी बड़ी मजबूरी होगी उन लोगों की? किसी का आदमी नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई विधवा है कोई कुछ, ये क्या तरीका है हटाने का? अरे हमने जब कह दिया, SHO साहब से हम मिले हैं, हम डायरेक्ट मिले हैं, और हमने कहा है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप विजिट कर लीजिए, और विजिट करके हमें बता दीजिए भाई कहाँ पे आप पे परेशानी है। लेकिन विजिट का टाइम नहीं है, उन लोगों पे आने का मारने का टाइम है, और ये हरकत सिर्फ SHO साहब अपना रहे हैं। ना कोई सिपाही अपना रहा, ना कोई हवालदार अपना रहा, ना कोई थानेदार अपना रहा, ना ही कोई बड़ा अफसर अपना रहा। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है तेरी रिटायरमेंट ही आ रही है, तू जितना भी कुछ कर सकता है वो करके और फारिग कर दो, ये तरीका है? ये क्या तरीका हो गया जी? क्या करे? दरोगा का रिश्वत नदी होगी, मैं बोल रही हूँ। देहरी पलटने का ये है। क्या नाम है आपका? माया, मैं लुकमान गली में रहती हूँ। यही कहना चाहते हो, गरीब मार हो रहा है और क्या हो रहा है? यही हो रहा है, ये SHO की बात है। गरीबों ने मार रहा हूँ, गरीबों को मार रहा है। मैं तो यही की हूँ, दुकान है मेरी, माँ हमारा भी शोकेस लुढ़का दिया उसने पेठे का एक दिन। चंद्रवती कौन आया था आपके पास? वो आया था जो फेंक गया इनके सामान, वो शोकेस लड़का, वहाँ लड़का खड़ा मेरे वहाँ शोकेस तोड़ दिया, फेंक दिया उसने पेठे का। नुकसान भी हो गया आपका? हाँ, वहाँ है मेरे बड़ी दुकान। बोल कि मैंने जो सवाल किया है, पुलिस की आपसे दुश्मनी नहीं है? ऐसा पुलिस की दुश्मनी नहीं है, कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी दिक्कत आती है उनको, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करना बंद कर दे क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वेंडर्स एक्ट 2014 है उसके आधार पर ये रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, उसका वायलेशन नहीं कर रही हैं। उस नियम के आधार पर किनारे पर, सड़क के किनारे पर रेहड़ी लगाना कोई जुर्म नहीं है।
पलवल में टाउन वेंडिंग कमेटी जिसके चेयरमैन डीसी महोदय हैं उसके आधार पर इनको जगह अलॉटमेंट का प्रोसेस विचाराधीन है और नियम के मुताबिक विचाराधीन प्रोसेस में कोई भी पुलिस अधिकारी नगर परिषद अधिकारी इनको छेड़ नहीं सकता, इनको हिला नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और खाकी वर्दी में गुंडागर्दी करने पर उतारू है। पुलिस मनमानी कर रही है, आप लोग भी कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बाजार में खड़े हो, ये सड़क कितनी छोटी है, चौड़ी सड़क नहीं है, संकरी है। आप लोग अगर सड़क के किनारे पे खड़े होंगे, मोड़ पे खड़े हो जाएंगे, आपको बिल्कुल साइड पे खड़ा होना चाहिए ना। ये बिल्कुल साइड है, आप जो है ना मौका देख लीजिए, ये जो है ना बिल्कुल दीवार के 3 फुट के अंदर है और ये जो मीनार गेट है इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। जो सामने दुकानदार हैं उन्होंने दुकान कब्जा किया हुआ है या बड़े बड़े दुकानदार हैं उन्होंने शहर में कब्जा किया है, वो दिखाई नहीं देता इनको, लेकिन रेहड़ी वालों का जो कब्जा है वो जायज है, जो वो भी दिखाई देता है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से और यहाँ के जो उच्चाधिकारी SP महोदय हैं वो इन पुलिस वाले विशेष तौर से महेश कुमार SHO है इसका जो अप्रशासनिक रवैया है, जो असंवैधानिक रवैया है, उस पर लगाम लगाया जाए। एक बात और बताइए, इतनी जगह नहीं है जितनी रेहड़ियाँ हैं, कितनी रेहड़ियाँ, बहुत रेहड़ियाँ, हजारों की संख्या में रेहड़ियाँ पलवल में बीच सड़क पे कहीं ना खड़ी होती हैं, बहुत बार ट्रैफिक कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, वीडियो चल रही है। ये मत कहिए कि आप बिल्कुल पाक साफ हैं, बुरा मत मानिएगा, कानून आपको अधिकार देता है, ठीक है, अच्छी बात है, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, रोजी रोटी का भी सवाल है, लेकिन इसकी आड़ में आपको भी कानून की पालना करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर कोई रेहड़ी पटरी वाला सड़क पर बैठकर यातायात को बाधित करता है तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। जो लाइसेंसधारी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो बिना लाइसेंस वाले हैं, जो इस यूनियन से बाहर हैं, वो अगर कोई हरकत करते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो लाइसेंस है, आपको जमीन भी अलाट करने के लिए अभी बताया आपने, जमीन अलाट नहीं हुई है लेकिन होनी है। हाँ जी, इसका मतलब यह कि आप मीनार गेट पर या किसी भी जगह पर अपनी मनमर्जी से नहीं खड़े हो सकते ना? नहीं, जब तक नहीं, जैसे जैसे खड़े हैं, जैसे पहले से खड़े हैं, और जब तक वो ये तय ना हो जाए कि ये वेंडिंग जोन है या नॉन वेंडिंग जोन है, तब तक इनको हटा भी नहीं सकते। अगर ये नॉन वेंडिंग जोन हो जाएगा तब हट सकते। अच्छा, आज की घटना जो हुई है इसमें क्या पुलिस को आप दोषी मानते हैं? नहीं, अगर जैसा ये रेहड़ी पटरी वालों ने बयान दिया है, बयान के आधार पर अगर उन्होंने बदतमीजी करी है, मिसबिहेव किया है, रेहड़ी को पलटने का प्रयास किया है, तो ये पुलिस का काम नहीं है। ये लोगों को समझाकर भी, और जैसा मैं और डागर साहब SHO साहब से मिलने गए थे 15-20 दिन पहले और हमने ये निवेदन किया था कि जहां आपको लग रहा है कि ये गलत रेहड़ी खड़ी है तो हमारा विजिट कराइए, हम उन रेहड़ी वालों को खुद हटाएंगे, लेकिन उसके लिए समय नहीं है SHO महोदय के पास। अच्छा डागर साहब, अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, अगला स्टेप मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 24 तारीख को हमारे वेंडर्स को जगह मिलने का टाइम है, ठीक है? तो जब 24 तारीख का हमारा टाइम है तो अफसरों को पूरा पूरा अधिकार है कि भाई कहाँ कहाँ लगेंगी, कहाँ नहीं लगेंगी। 24 से हमारा काम शुरू स्टार्ट हो गया है और होगा 24 को, ठीक है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट उसमें ले लिए गए हैं, तो उसमें जहाँ जहाँ विवादित है वहाँ खाली करा के ये लोग लगवाए जाएंगे। तो उससे पहले हटाने का कोई अधिकार नहीं है, इसका दोषी भी प्रशासन ही है। एक तो लेट और फिर ऊपर से जो है इस तरीके की हरकतें अपना रहे हैं। आपको भी तारीख पे तारीख मिल रही है? हाँ, वो तारीख पे तारीख ये बहुत पुरानी एक फिल्म का डायलॉग है आपने जो आपने बोला है, लेकिन मैं ताज़ा फिल्म का डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल घटिया तरीका अपना रहे हैं। इस तरीका का बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देंगे और इस SHO साहब को इस तरीका से मनमानी नहीं करने देंगे। जो ये प्रशासन की चमचागिरी करके अफसरों को तो कहता है, जब फोन आता है, मान लीजिए SP साहब का, DSP साहब का फोन आ गया, सर मैं आपके कदमों में बैठ के, और आप जैसे कहेंगे सर मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके कदमों में बैठा रहूँगा सर। ये बहुत मीठा और चापलूसर आदमी है, क्योंकि इसने सदा से चापलूसर किया, इसने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया कभी। अब क्या भगवान की कृपा से हमारे पलवल की जनता ऐसी है, इसको यहाँ पे टाइम दे दिया है, यहाँ लोगों को परेशान कर और फिर तेरे को रिटायरमेंट ही मिल जाएगी, भगवान तेरा भला करेगा, अब आगे देखो कितनी गांठ लगती है। अभी आपने देखा जिला हॉकर्स फेडरेशन ने चेतावनी दी है पुलिस प्रशासन को कि वो चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं अगर इस प्रकार से पुलिस का मनमानने का रवैया रहा। आज की घटना एक बार फिर से दोहरा दें।
जिला हॉकर्स फेडरेशन का आरोप है कि यहाँ पर मीनार गेट पर एक रेडी वाले के साथ पुलिस SHO ने बदतमीजी की। महेश शर्मा पुलिस अफसर जो SHO हैं उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन हमने भी सवाल किया जिला हॉकर फेडरेशन के से कि क्या जाम लगने की मुख्य वजह क्या रेडी की वजह से भी जाम लगता है। जिला हॉकर फेडरेशन ने कहा बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल किनारे पर खड़े होते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ज़मीन भी अलाट की जानी है, परंतु प्रशासन की देरी की वजह से अभी तक मामला अधर में लटका हुआ है। मीनार गेट चौक से सतीश भूटानी। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।